आज हम लोग, आज यूपी पीसीएस का एग्जाम है और हम लोग का सेंटर आगरा में पड़ा हुआ है। आइए एक दोस्त से बात करते हैं कि आज का यूपी पीसीएस का पेपर कैसा रहा। एक दोस्त से बात करते हैं, सर यूपी पीसीएस का पेपर आज का कैसा रहा आपका? यूपी पीसीएस का पेपर मॉडरेट रहा यार, ज्यादा ऐसा भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट रहा। लास्ट ईयर की तरह मॉडरेट रहा। पॉलिटिक्स के कम क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के थोड़े बहुत ज्यादा थे, लेकिन ज्योग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन थे इस बार, हर बार ही होते हैं। और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के भी थे, सेंसस वगैरह, ट्राइब्स वगैरह थी, कौन सी घाटी कौन सी पहाड़ी कहाँ पे, ये सब थोड़ी बहुत थी, पर मेनली अगर देखा जाए तो करंट अफेयर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप निकाल लीजिए। करंट अफेयर आपका स्ट्रांग, और बेसिक साइंस भी आई हुई है काफी। बेसिक साइंस भी थी कि मॉस्किटो कौन से मॉस्किटो से वो होता है, क्या नाम है, डेंगू का है, कौन से फीमेल, उसका सब, उसको तो सबको ही पता था, इजी क्वेश्चन थे। पर जनरल साइंस ठीक ही थी, इजी थी, सब लोग कर सकते थे, लेकिन मेन था कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, वैसे बहुत ज्यादा ही। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। हाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी थे, ट्रेंड थोड़ा यूपीएससी की तरह हो रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की तरह जा रहा है, तो ये कि आप इसको भी प्रिपेयर करो तो ज्यादा सही है, ऐसे इसको खाली मत छोड़ो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, ना के बराबर लगभग इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी एक से दो क्वेश्चन थे और यही मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करके आया था, मेरी वही स्ट्रांग थी और वो उसमें से एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिला, बस एक स्कीम वगैरह आ गई थी छोटी मोटी, पर उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं था, तो बहुत ही इम्बेलेंस पेपर था इस बार का। पर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट दूंगा क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर था, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, मतलब 50% इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बेसिक साइंस और करंट अफेयर मिला के 50% पेपर था। आराम से जीनी का 50% था, बाकी तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का था और पॉलिटी और तो इकोनॉमी भी बहुत ही कम थी, तो करंट अफेयर जिसने किया वो निकाल लेगा सब। कट ऑफ के ऊपर कितनी जाने को मिल रहेगी? कट ऑफ टाइम से ऊपर जाएगी पर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे ही होगा, ऊपर ही जाएगी, तो इजी मॉडरेट पेपर था तो 1-2 नंबर, 2-4 नंबर ऊपर ही जाएगी, मतलब फैक्ट बेस्ड पेपर था पूरी तरह से, हर चीज फैक्ट बेस्ड ही आ रही थी। और यूपी पीसीएस में आता भैया फैक्ट बेस्ड? नहीं, यही आता है, अगर आपको फैक्ट बेस्ड क्लियर है, छोटी छोटी डिटेल्स क्लियर है तो आप निकाल लोगे। और इस बार स्कीम में ज्यादा डेट पे फोकस नहीं किया गया है? हाँ, स्कीम में रैंडमली थोड़ा डाला गया था कि ये स्कीम कौन सी ईयर में है, कौन सी पर्टिकुलरली, कौन सी कब स्कीम आई थी, ये वाली ग्राम पंचायत से रिलेटेड आई थी कि पहली कौन सी स्कीम आई, बाद में कौन सी स्कीम आई, तो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं और ये थोड़े से इनको थोड़ा छोड़ देना चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पे फोकस नहीं करवाएगा इस बार। बिल्कुल नहीं, बहुत ही रैंडम पेपर था, बहुत ही मतलब सब्जेक्ट फैक्ट ओरिएंटेड था, आपको फैक्ट पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर आप करंट अफेयर्स के भरोसे हो। ठीक है, ये पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आप आराम से 50-60 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।